जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा जी के इन विचारों का ही एक उदाहरण है आज का ये वीडियो। आज युवा दिलों की धड़कन बन चुका एक सितारा कभी जब पगड़ी बांधकर पंजाबी फिल्मों में आया था तो सवाल उठा था कि एक पगड़ी वाला कितना बड़ा हीरो बन पाएगा, या हीरो बनने के लिए क्या ये भी जल्दी पगड़ी उतार देगा। दोस्तों, ऑडिशन स्कूल से हम बोल रहे हैं चंदू, और चंदू करता है आप सबको प्रणाम। आज चंदू टॉकीज में हम दिखाने जा रहे हैं सुपरहिट पिक्चर दिलजीत सिंह दोसांझ। 6 जनवरी को जालंधर पंजाब के एक गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए दिलजीत का नाम पहले दलजीत दोसांझ था। बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के दिलजीत का संगीत के प्रति खासा लगाव था। स्कूल हो या गुरुद्वारा, दिलजीत हर जगह गाने का मौका खोज ही लेते थे। संगीत में अति रुचि के कारण ही दिलजीत बहुत कम उम्र में गाने के साथ साथ हारमोनियम और तबला में भी पारंगत हो गए। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले दिलजीत ने यहां खुद को पूरी तरह से गायन में झोंकने का फैसला कर लिया। गुरुद्वारे में कीर्तन गाने के साथ साथ वो कुछ छोटे मोटे शोज भी करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उनके अब तक के सबसे बड़े कद्रदान फिनिटन कैसेट्स के राजेंद्र सिंह से। राजेंद्र जी के कहने पर दिलजीत ने अपना नाम दिलजीत कर लिया और उन्हीं की मदद से दिलजीत का पहला म्यूजिक एल्बम बाजार में आ पाया। इसके बाद दिलजीत ने अपने गायन से पूरे पंजाब का दिल जीत लिया और फिर पूरे देश दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। पंजाब में अमूमन पॉपुलर होने के बाद सिंगर एक्टिंग में आ जाते हैं क्योंकि उनका एक फैन बेस बन जाता है, इसलिए फिल्मकार उनको लेकर फिल्म बनाना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ गेम मानते हैं। लिहाजा दिलजीत को भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। यहां दिलजीत की मुलाकात होती है बॉलीवुड डायरेक्टर गुड्डू धनोवा से, जो एक नई पंजाबी फिल्म बनाना चाहते थे, और फिर पंजाबी फिल्म द लायन ऑफ पंजाब से दिलजीत के अभिनय करियर का भी आगाज हो गया। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन दिलजीत चल निकले। कारवां आगे बढ़ता गया और फिर आई साल 2012 में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में शुमार फिल्म जट एंड जूलियट। दिलजीत ने पूरी दुनिया को अपने हुनर का दीवाना बना दिया। इस तरह भरपूर मेहनत के बाद आखिरकार शुरू हुआ सफलता का एक ऐसा दौर जो आज तक बदस्तूर जारी है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सिरमौर बनने के बाद जाहिर है दिलजीत का अगला पड़ाव था बॉलीवुड। कुछ छोटे मोटे काम के बाद आखिरकार साल 2016 में उड़ता पंजाब फिल्म से दिलजीत एक सिंगर के साथ साथ बॉलीवुड में भी हीरो बन गए। दिलजीत के इस सफर की कई विशेषताएं रही हैं। एक ओर जहां छोटी सी सफलता मिलते ही कुछ लोग अपना ईमान तक बेचने में देर नहीं लगाते, वहीं हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर फिल्मी हस्ती में शुमार दिलजीत की गिनती आज भी सबसे तमीजदार स्टार में की जाती है। जिस पगड़ी के चलते उनके हीरो बनने पर सवाल उठ रहे थे, आज उसी पगड़ी के चलते दिलजीत पूरी दुनिया में नए ट्रेंडसेटर बन चुके हैं। असफल होने के बहाने तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए मात्र एक जुनून ही काफी होता है। ऑडिशन स्कूल पर दिलजीत की ये कहानी आपका मार्गदर्शन करने में सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल फ्री रखा गया है मेरे भाई। आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपके सभी सुझाव और सवालों का हमेशा स्वागत रहेगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चंदू जल्द हाजिर होगा एक नई सुपरहिट पिक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।